अच्छा आ जाओ। आपको आना है? पता चल जाएगा तुम्हें अभी, चलो। आओ बेटा आओ, अपनी मम्मा से मिलो। आओ आओ, जब मिल लो ना अपने बच्चों से तो खाने की जरूर तैयारी कर लेना। बहुत लंबा सफर करके आई हूँ ना मैं, थक बहुत गई हूँ। वो अबरार ने कहा था कि हम साथ खाना खाएंगे। अच्छा वो सामने वाला मास्टर बेडरूम ना, अगर तुम्हारा कोई सामान है उसमें से तो निकाल लो, मैं वहीं रहूंगी। ठीक है। हाँ जब बैठा चल। जल्दी। हाँ मामा, ये आंटी कौन थी और ये क्या कह रही थी? पता नहीं, मेरे जैसे दस्तखत करवाकर बैंक से पैसे निकलवा लिए। और जिस बैंक से निकलवाए हैं वो, उनके पास कोई उस बंदे का रिकॉर्ड भी नहीं है। कह रहे थे वो शख्स किसी मरे हुए इंसान का शनाख्ती कार्ड लेकर आया और मास्क पहन कर आया, इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं। बड़ा कोई शातिर चोर था। किस तरीके से उसने पैसे चुरा लिए? मतलब एक मरे हुए इंसान की शनाख्ती का, बैंक वालों को चूना लगा दिया उसने। लेकिन तो फिक्र नहीं करो, बैंक वालों ने कहा है हमने पुलिस से बात कर ली है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्द पहुंच जाएंगे उस चोर तक। अल्लाह तो बस तो अल्लाह बचाए, क्या जमाना आ गया है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इसकी चेकबुक उसके पास कैसे चली गई। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि चेकबुक उधर कैसे चली गई और वो दस्तखत मेरे दस्तखत हूबहू मेरे जैसे कैसे कर सकता है कोई। वो जो दो लड़के आए थे तुम बता रही थी तुमसे जेवर छीनने के लिए, वही शायद वो हो? हाँ मुझे भी उन्हीं पर शक हो रहा है। हो सकता है किरण ने अपनी चेकबुक का कोई सफा उस बैग में रख दिया हो। इसीलिए कहते हैं ऐसी चीजों को हिफाजत से रखना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो, चेकबुक मैंने खुद संभाल कर रखी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। अरे तुम्हें कुछ याद रहता ही कहाँ है, कभी तुम सालन में जो है वो चीनी डाल देती हो, कभी चाय में नमक डाल देती हो। हाँ किरण मैंने भी बहुत नोट किया है। तुम आजकल बहुत खोई खोई और अपसेट सी रहती हो। लगता है इसे इसके बच्चे याद आ रहे हैं।